नगरीय पथ विक्रेता नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन क्योंकि बिल्कुल स्केट रूप में जो है फैले हुए तितर बितर जाम की समस्या रहती है, इसलिए शासन का ये निर्देश है कि इनके लिए इनका बिजनेस भी चले, इनका रोज़गार भी चलना चाहिए और हमारी जो यातायात व्यवस्था है, जन सुविधा है, उसको भी देखा जाए। तो इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी कि ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएँ जहाँ पर इनको दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, अपना व्यापार कर सकें और जनता को भी सुविधा रहे, चूँकि जनता ही उनसे सामान लेती है तो जनता को भी सुविधा रहे कि ज़्यादा दूर न जाना पड़े और ट्रैफिक जाम भी न हो। उसी के लिए आज पूरा चर्चा हुई है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उनको किस तरह से सेटल किया जाए इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है। लगभग कितने वेंडरों को रजिस्ट्रेशन हो चुका है? इन्होंने अभी तक जो सर्वे हमारा हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन तो अभी हम करेंगे। अभी तक इन्होंने सर्वे किया, सर्वे में लगभग 2200 जो है पाए गए हैं कि जो लोग नगर पालिका उरई के अंदर जो अपना व्यापार इस तरह से पथ पर करते हैं सड़क के किनारे। तो नगर पालिका क्या क्या सुविधाएं देंगी? जहाँ पर हम वो स्थान सुनिश्चित करेंगे वहाँ पर हम उनको पानी की सुविधा भी देंगे, आसपास सफाई और हम ODF और शौचालय की भी सुविधा देंगे कि वो कहाँ जाएंगे जो है, तो वहाँ पर हम एक कोशिश करेंगे, वहाँ पर हमारा एक सुलभ शौचालय टाइप का भी बनेगा तो हम ये सारी सुविधाएँ देंगे और लाइट देंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे और शौचालय की व्यवस्था करेंगे उनके लिए। चिन्हित जो जगह हो गई हैं, हम एक दो जगह जो शुरू वाली है हम कल से ही उस पर टारगेट कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ राय आई कि कुछ सड़कें हैं जो किनारे गड्ढे हैं तो अगर वहाँ पर हमको लगेगा कि कुछ मिट्टी डाल करके उनको चौड़ा किया जा सकता है तो वो भी हम करेंगे जो है। तो ये कल से ही काज हमारा इस पर शुरू हो जाएगा।